Hello, my dear students. I hope you all are doing great. I am Diksha from Fundo Tutor, a platform that is focused on you, and we make learning a very happy process. So, let's proceed to our topic with a beautiful smile on your face. So, today we are going to talk about carbon and its compounds. The very first question that comes in my mind is why carbon and its compounds? वाई नॉट पोटाशियम एनिट्स कंपाउंड वाई नॉट हाइड्रोजन एनट्स कम्पाउंड्स इतने सारे एलिमेंट्स हैं हमारे पास हाइड्रोजन हीथियम वो सब हमने पढ़े हैं उन सबको छोड़ के सिर्फ कार्बन को ही क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है इवन दो अगर हम बात करें हमारी अर्थ क्रस्ट में कितना परसेंटेज है कार्बन का इट्स ओनली पॉइंट ज़ीरो टू परसेंट बस इतना अर्थ क्रस्ट क्या ज़मीन के अंदर कितना कार्बन प्रेजेंट है इट्स ओनली पॉइंट ज़ीरो टू परसेंट एटमोसफियर की बात करते हैं एटमॉस्फेयर मतलब एयर के अंदर जो गैसेस हैं हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है ना कार्बन तो वो कितना परसेंटेज होता है इट्स ओनली पॉइंट ज़ीरो थ्री परसेंट इवन दो ये इतना कम परसेंटेज में प्रेजेंट है फिर भी हम कार्बन के बारे में इतनी ज़्यादा बात क्यों कर रहे हैं कि कार्बन को भी स्टडी करना है आपको एंड फर्दर उसके कंपाउंड्स को भी स्टडी करना है ठीक है जो कंपाउंड जो बनाता है उसको भी स्टडी करना है और सारा चैप्टर आगे किसके बेसिस पे होने वाला है कार्बन के बेसिस पे ही होने वाला है वाई दिस वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट द रीज़न बींग जो हमारा कहा हम खुद हैं जो हम किससे बने होते हैं कार्बन के ही बने होते हैं हमारे लिए हम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन बींग्स बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप को समझते हैं तो हम जिस चीज़ से बने हुए हैं वो भी इम्पोर्टेंट होगी हमारे लिए तो हम किस चीज़ से बने हुए हैं हम कार्बन से ही तो बने हुए हैं यही तो हमारी लाइफ का पूरा मेन है हम कार्बन से फॉर्मेशन हुई है हमारी नाउ द क्वेश्चन दैट अराइज इन माई माइंड कि कार्बन पाउडर अगर आप जाके देखो तो कार्बन पाउडर जो है वो तो इस तरह का दिखता है और हम इस तरह के दिखते हैं हम इस तरह के क्यों नहीं दिखते वाई वी डोंट लुक लाइक अ कार्बन पाउडर हमारी स्किन डिफरेंट है हमारी स्किन की शेड्स डिफरेंट है हम कार्बन पाउडर जो कोयला है जिसको कोल बोलते हैं ठीक है थीके? हम उस तरह के क्यों नहीं नज़र आते वाई दिस इज सो बिकॉज ये क्या है सिर्फ एलिमेंट है दिस इज कार्बन इन पाउडर्ड फॉर्म ये कार्बन एक पाउडर्ड फॉर्म में है और हम किस चीज़ से बने हैं जब कार्बन किसी और एलिमेंट के साथ विदर इट्स हाइड्रोजन इट्स ऑक्सीजन इट्स नाइट्रोजन बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ क्या कर लेता है दोस्ती कर लेता है देखिए यहाँ पे कार्बन अकेला है और यहाँ पर उसने क्या किया हुआ है दोस्ती की हुई है बहुत सारे फ्रेंडशिप बहुत अच्छा गहरा इसकी दोस्ती बन जाती है लोगों के साथ बहुत फ्रेंडली है कार्बन ठीक है बहुत एक्स्ट्रोवर्ड टाइप का इंसान है ये इंसान मतलब बहुत एलिमेंट काफी एक्स्ट्रोवर्ड टाइप का है तो ये क्या करता है डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ दोस्ती कर लेता है और उसके बाद क्या कर लेता है एक बॉन्ड फॉर्म कर देता है एक कंपाउंड बना देता है हम उन कंपाउंड्स के बने हुए हैं जैसे जो हमारा यूरिया है दैट आर यूरिन जो होता है दैट इज ऑल्सो कार्बन कंपाउंड हमारे अंदर जितनी भी चीजें हैं जो हम खा रहे हैं पी रहे हैं ठीक है वो सब चीजें क्या होती है कार्बन कंपाउंड्स ही तो होती हैं कार्बन कंपाउंड मतलब कार्बन उसमें क्या होता है एक बेस होता है कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है उनके बीच में और उसके साथ कोई और एलिमेंट लगा होता है हाइड्रोजन हो सकता है ऑक्सीजन हो सकता है नाइट्रोजन हो सकता है सल्फर हो सकता है दे आर सो मेनी एलिमेंट्स जब वो कार्बन के साथ जुड़ जाते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं दीज आर कार्बन कंपाउंड्स इनको और क्या बोला जाता है जैसे एनिमल्स प्लांट्स आर ऑल मेड अप ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उनको और क्या बोला जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बोला जाता है ओके okay? जब कार्बन हमारे प्लांट्स और एनिमल्स सब में प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में प्रेजेंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बेसिकली प्रेजेंट होते हैं बिकॉज इनका जो ओरिजिन है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आता है इस, इसी की वजह से अभी देखो जो भी चीज़ें हम देखते हैं ना ऑर्गेनिक बेस्ड चीज़ें होनी चाहिए हम जब मार्केट में जाते हैं हम बोलते हैं ऑर्गेनिक चीज़ें चाहिए मुझे तो ऑर्गेनिक टी पीनी है मुझे तो ऑर्गेनिक फ्रूट्स खाने हैं वो महंगे होते हैं ना रेट में ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मतलब क्या है जो नेचुरली बने होते हैं ठीक है थीके? वो नेचर के थ्रू जो हमें मिले होते हैं क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में कार्बन कम्पाउंड्स मोस्टली प्रेजेंट होते हैं इनकी वजह से जो कार्बन कम्पाउंड्स है उनको क्या बोला जाता है ऑर्गेनिक कम्पाउंड्स भी बोल दिया जाता है नेक्स्ट कम्स इज़ हमारे आस पास हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है एक तो हम इम्पॉर्टेंट है उसके बाद रोटी कपड़ा और मकान क्या बोलते हैं किस चीज़ पे जिंदा रह सकते हैं हम दैट इज रोटी कपड़ा और मकान रोटी की बात करें दैट इज फूड जो हमारा फूड जो दैट वी ईट लाइक ग्रेन पल्सेस शुगर टी फ्रूट्स वेजीज एंड कॉफ़ी एवरीथिंग दैट वी ईट इज मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स बेसिकली हम इसमें क्या बोलना चाहते हैं इफ़ यू गो टू एनी न्यूट्रिशनिस्ट वो आपको क्या बोलेंगे कि आप का ना कार्बोहाइड्रेट्स का कंटेंट इतना होना चाहिए आपके पास प्रोटीन्स जो होते हैं वो इतने होने चाहिए आपके पास फैट्स इतने होने चाहिए फैट्स का क्या मतलब है एक रेशो होती है खाने की डाइट की एक रेशो होती है फैट्स मतलब घी वगैरह हो गया एंड प्रोटीन्स मतलब पनीर सोया पनीर पनीर चीज़ कर्ड ऑल दीज थिंग्स कंटेन्स प्रोटीन्स एंड देन कार्बोहाइड्रेट इज़ वॉट जो हमारी रोटी होती है चपाती दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स राइस एंड ऑल दैट ठीक है वो सब चीज़ें क्या होती हैं कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं सो नाओ एट द एंड जो फूड होता है ना वो इन्हीं तीन चीज़ों में स्प्लिटअप हो जाता है दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड फैट्स इन्हीं तीन चीज़ों में इसने स्प्लिट अप हो जाना है इसी के वजह से हम बोलते हैं कि जितने भी फूड्स होते हैं ना दैट आर मेड अप ऑफ़ कार्बन कंपाउंड्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसका क्या मतलब है जब एंड में फूड ने इन्हीं तीन चीज़ों में स्प्लिट अप हो जाना है और ये तीन चीज़ों कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन एंड फैट्स ये तीनों चीज़ें किसकी बनी होती हैं ये भी तो कार्बन कंपाउंड्स की ही होती हैं ये भी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होते हैं और क्या होता है ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ही हैं जिसकी वजह से फूड को भी क्या बोल दिया जाता है दी आर अप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड नेक्स्ट इज कपड़ा कपड़ा मतलब क्लोथ्स रोटी कपड़ा मकान कपड़ा क्लोथ्स कॉटन सिल्क फूड वुड नायलन पॉलिएस्टर ये जितने भी क्लोथ्स हैं हमारे पास ये सारे किसके बने हैं दीज आर ऑल्सो मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नाउ नेक्स्ट इज फ्यूल मकान को छोड़ के हमने हमारे लिए एल पी जी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कार्स हैं तो पेट्रोल इंपॉर्टेंट है डीजल इंपॉर्टेंट है कैरोसिन इंपॉर्टेंट है वुड इंपॉर्टेंट है कोल इम्पॉर्टेंट है ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट है जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमारे आस पास हैं ऑल दीज आर मेड अप ऑफ कार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसको बोल दिया जाता है कि इसकी बनी होती है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट अराइज इन माई माइंड इज कार्बन से इतनी ज़्यादा चीज़ें बनी होती हैं कोई भी इंसान सपोज कर लो कि आपकी क्लास का कोई टॉपर है ठीक है क्लास का टॉपर है या क्लास का मॉनिटर है या हम शाहरुख खान की बात कर लेते हैं शाहरुख खान इज़ अ स्टार ठीक है तो वो हमारा एक आइडियल है कि हमको भी ऐसा बनना है ठीक है कोई किसी भी चीज़ को कोई भी आपका रोल मॉडल हो जिसको भी आप बहुत ज़्यादा अडोर करते हो कि मुझे इस जैसा बनना है दैट मे बी एन आई एस ऑफिसर दैट मे बी ए पी सी एस ऑफिसर दैट मे बी सम हीरो और हीरोइन और एनी थिंग ठीक है जिसके जिसके जैसा आप बनना चाहते हो जिसको आप अडोर करते हो आप क्या बोलते हो कि मेरे को ना इस जैसा बनना है तो मेरे को इसकी क्वालिटीज़ तो पता होनी चाहिए ना आप देखोगे कि, कि वो इंसान कैसा है उसकी हैबिट्स कैसी हैं उसमें क्या क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं वैसे ही हमको यहाँ पे क्या जानना है कि कार्बन जो है हर जगह पे है कार्बन अलग अलग लोगों के साथ दोस्ती करता जा रहा है और टॉप पे पहुँच चुका है सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट बन चुका है अभी हमें ये भी तो जानना चाहिए ना कि ऐसा क्या खास है कार्बन में कि उसने हर इंसान हर एलिमेंट के साथ दोस्ती कर रखी है उसने हाइड्रोजन के साथ भी बड़ा अच्छा बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ भी बड़ा अच्छा बॉन्ड है उसका नाइट्रोजन के साथ भी बड़ा अच्छा बॉन्ड है सल्फर इतने सारे एलिमेंट्स के साथ इसका अच्छा अच्छा बॉन्ड बन चुका है उसमें कुछ तो क्वालिटीज होंगी ना कि सबको अपने दोस्त बना लेता है वो सो नाउ लेट्स जंप टू क्वालिटीज ऑफ कार्बन द वेरी फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ कार्बन इज इट फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड्स कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है वो जितने भी एलिमेंट्स के साथ वो बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है मतलब बहुत गहरी दोस्ती बना लेता है वो लोगों के साथ वो दोस्ती कैसी होती है दैट इज़ कोविलेंट इन नेचर अभी जिनको पता है वॉट आर कोविलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड वो तो थोड़ा सा स्किप कर दो जिनको नहीं पता कोविलेंट एंड आयनिक बॉन्ड क्या है वो पहले समझ लो कि व्हाट इज़ अ कोविलेंट बॉन्ड व्हाट इज़ एन आयनिक बॉन्ड एंड वाई ये फॉर्मेशन क्यों होती है अलग अलग बॉन्ड्स की तभी आपको नेक्स्ट आने वाला समझ आएगा टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ कोविल एंड बॉन्ड एंड आइनिक बॉन्ड लेट्स टेक एन एग्जाम्पल सपोज करो यू आर टू आप हो और आपका बेस्ट फ्रेंड है ठीक है लेट इट बी वियान एंड की आन ठीक है दो फ्रेंड्स हैं बेस्ट फ्रेंड्स हैं वियान एंड कीआन दोनों ने क्या किया जोमैटो से ऑर्डर करा दे वर लाइक डूइंग सम स्टडी एट होम घर पर बैठे कुछ पढ़ रहे थे तो उनको लगा कि चलो यार कुछ ऑर्डर करते हैं खाने का मन है ठीक है वियान ने किया पिज़ा ऑर्डर और कियान का क्या खाने का मन करता बर्गर खाने का मन कर रहा था इसका तो इसने क्या किया पिज़्ज़ा ऑर्डर किया इसने बर्गर ऑर्डर किया पिज़्ज़ा जब उसने ऑर्डर किया तो इसका तो ऑर्डर आ गया घर पे। पर कियान का ऑर्डर नहीं आया किन का जोमैटो जो है वो चल नहीं रहा था नेट ऑफ था पता नहीं क्या इशू था और इसका ऑर्डर नहीं आया तो अभी क्या करेगा वियन को तरस आएगा उस पर वियन बोलेगा कि चल यार भूख तेरे को भी लगी थी वैसे तो मेरे पास एक्स्ट्रा नहीं है तो एक काम कर तू तो मे मैं तेरे को अपना पूरा पिज़्ज़ा नहीं देने वाला तो इसमें से एक दो स्लाइसिस खा ले बाकी सारा मैं ही खाऊंगा वो तो कहता चलो ठीक है तो इतना दे रहा है इतना ही बहुत है तो उसने क्या किया शेयरिंग कर ली शेयरिंग इज़ केयरिंग राइट इसने क्या किया शेयरिंग ऑफ पिज़्ज़ा कर लिया पिज्जा को थोड़ा सा शेयर कर लिया माइंड में क्या रखना है वियान के पास एक्स्ट्रा नहीं था वियान के पास कुछ एक्स्ट्रा पिज्जा नहीं था उसने अपने पिज्जा में जो उसको भी खाना था वही पिज्जे में एक दो स्लाइस उसने उसको पकड़ा दी कि चल खा ले दूसरे केस में क्या हुआ वियान था कियान था कियान को पहले ही पता लग गया कि मेरा जोमेटो काम नहीं कर रहा आज मुझे नहीं लगता यहाँ पे ऑर्डर होने वाला है वियान तो एक काम कर तू तो पिज्ज़ा एंड बर्गर मंगवा ले ठीक है और मैं भी एक बारी ट्राई कर लेता हूँ बर्गर बनाने का इसका बर्गर एज यूजल आया नहीं इसके पास दो दो चीज़ें आ गई पिज्ज़ा भी आ गया बर्गर भी आ गया तो इसने क्या बोला कि चल मैंने तो एक्स्ट्रा वैसे ही मंगवाया था मैंने तो तेरे लिए एक्स्ट्रा मंगवाया था तो एक काम कर मैं पिज्ज़ा खा लेता हूँ तू बर्गर खा ले और मुझे परेशान मत कर मेरे पिज्ज़ा में से कुछ मत खाना मैं तेरे को अपना सारा का सारा बर्गर तेरे को ट्रांसफर कर देता हूँ है? अपने पास कोई चीज क्या आ गई एक्स्ट्रा आ गई और उसने क्या किया ये चीज ट्रांसफर कर दी कियान को राइट सो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है इफ आई टॉक अबाउट इन केमिस्ट्री कोवेलेंट बॉन्ड इज बॉट इट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ पे पिज्जा बर्गर की बात कर रहे हैं और हमारे पास एटम के बीच में पिज्जा बर्गर नहीं है उसके लिए जैसे हमारा फेवरेट क्या है पिज्जा है बर्गर है खाने पीने की चीजें बहुत टेस्टी लगती हैं वैसे ही एटम के पास क्या है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको इलेक्ट्रॉन्स बहुत प्यारे हैं ठीक है उसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते तो उसने क्या किया इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया उसके पास एक्स्ट्रा नहीं थे ठीक है एक्स्ट्रा चीज़ नहीं थी उसके पास उसके पास उसको खुद को भी वो वाले इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे जैसे यहाँ पे वियान कहता मैं भी पिज्जा खाऊंगा तू भी खा ले थोड़ा सा थोड़ा सा तेरे को दे दूंगा वैसे इसने क्या किया वो कहता मेरे को भी इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अगर तेरे को भी डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन्स की तो एक काम कर ये वाला इलेक्ट्रॉन हम दोनों इकट्ठे शेयर कर लेते हैं बट मैं तेरे को सारा इलेक्ट्रॉन ही देने वाला शेयर कर लेते हैं उसको और आयनिक बॉन्ड में क्या होता है दिस इज आयनिक बॉन्ड आयनिक बॉन्ड में क्या होगा वो बोलेगा मेरे पास एक्स्ट्रा है यार इलेक्ट्रॉन और तो तेरे पास है नहीं तो एक काम कर मैं तेरे को सारा का सारा इलेक्ट्रॉन पकड़ा देता हूँ मेरे को नहीं चाहिए ये वाला इलेक्ट्रॉन तू रख ले मेरे पास बहुत अमीरी है मेरे को नहीं चाहिए नाउ इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में हम कैसे शेयरिंग एंड ट्रांसफर को समझ सकते हैं कोवल एन बॉन्ड की बात करें यहाँ पे आयनिक बॉन्ड की बात करें यहाँ पे होगा एक्स के पास क्या होगा नो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है ठीक है इसने क्या किया इसके पास जो इलेक्ट्रॉन था इसके पास भी कोई इलेक्ट्रॉन था इन दोनों ने क्या किया उसको शेयर कर लिया उन्होंने एक ही जगह पे उसको शेयर कर लिया इसने ऐसा नहीं किया कि अपना इलेक्ट्रॉन इसको पकड़ा दिया नहीं उसने कहा मेरे पास भी वो इलेक्ट्रॉन रहेगा तू भी उसको यूज़ कर ले मैं भी उसको यूज़ कर लेता हूँ इन्होंने क्या करा इसके पास था एक्स के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था इसने क्या किया ये वाला जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसको पूरा का पूरा ट्रांसफ़र कर दिया मतलब ये इलेक्ट्रॉन अभी इसके पास चला गया दिस इज दस कोबल शेयरिंग हो रही है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है राइट नाउ दराइजनिंग ऐसा क्यों है ये कौन चीज डिसाइड करती है कि एक्स के पास एक्स्ट्रा है या नहीं है कौन ये चीज तो हमारी भूख डिसाइड करी है ना हमारे केस में क्या डिसाइड कर रहा है कि बर्गर उसके पास एक्स्ट्रा था या नहीं था वो कौन चीज डिसाइड कर रही उसको कितनी भूख लगी है उसका मन सिर्फ पिज्ज़ा खाने का था अगर उसका मन होता बर्गर खाने का भी तो बर्गर एक्स्ट्रा नहीं होता उसकी बुक डिसाइड कर रही है हाउ मच ही वॉन्ट्स टू ईट एंड उसका फ्लेवर क्या है क्या उसको बर्गर पसंद भी है या नहीं है वो चीज़ डिसाइड करती है यहाँ पे कौन सी चीज़ डिसाइड करती है कि ये इलेक्ट्रॉन जो एक्स के पास है वो एक्स्ट्रा है या एक्स्ट्रा नहीं है वॉट डिसाइड दिस दिस इज ऑक्टेट रूल जो ये चीज डिसाइड करता है कि वेदर दैट इलेक्ट्रॉन इज एक्स्ट्रा और दैट इलेक्ट्रॉन इज नॉट एक्स्ट्रा ओके सो नाउ टू अंडरस्टैंड दी ऑक्टेट रूल हम एक एग्जाम्पल एक और लेते हैं ऑक्टेट रूल क्या है फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग टू वॉच सम क्रिकेट मैच और समथिंग आपको कुछ भी फेवरेट है वो चीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो देखने के लिए वहां पे जो स्टेडियम है ना वहां पे किस तरह की सेटिंग अरेंजमेंट है पहले में दो हैं सीट्स एंड देन उसके बाद कितनी सीट्स हैं एट सीट्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट ठीक है यहाँ पे दो सीट्स हैं, यहाँ पे एट सीट्स हैं सो so, यहाँ पे क्या होगा आपके सपोज करो चले गए सेवन फ्रेंड्स सेवन फ्रेंड्स वहां पे गए हैं तो सेवन में से जो बहुत जल्दी जल्दी भाग के चलाक वाले फ्रेंड्स होंगे वो तो पहले इन दो सीट्स को क्या कर लेंगे बुक कर लेंगे जाके फटाफट यहाँ पे जाके बैठ जाएंगे उसके बाद जो बचे हुए पांच फ्रेंड्स हैं वो यहाँ पे आके बैठ जाएंगे एक दो तीन चार पाँच ठीक है पांच, पांच फ्रेंड्स रिमेनिंग कितनी सीट्स रह गई तीन सीट्स रह गई बट इस स्टेडियम का ना एक बहुत अजीब सा रूल है वो स्टेडियम का रूल बोलता है कि या तो पूरी की पूरी फुली फिल्ड हो अदरवाइज़ बिल्कुल भी फिल्ड ना हो मतलब या तो ये जो रो है ये सेकेंड रो है या तो ये पूरी की पूरी सारी की सारी भरी हो हमारी सारी सीट्स फिल्ड हो अदरवाइज़ हम एक भी नहीं बंदा यहाँ पे बिठाएंगे ये बहुत करता है कौन स्टेडियम का जो रूल है वो ये करता है अदरवाइज जो आपको वहाँ का वॉचमैन है वो आपको उठा देगा कि आप जो पांच फ्रेंड्स यहाँ पे बैठे हो ना यहाँ से चले जाओ यहाँ तो यहाँ पे कोई बंदा लेके आओ इस जगह पे इस जगह पे और इस जगह पे किसी को सीट अवेल करवाओ कोई इंसान लेके आओ उसको यहाँ पे बिठाओ अदरवाइज क्या होगा हम आप पांचों को भी यहाँ से उठा देंगे दिस इज द रूल ऑफ दैट स्टेडियम इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री की अगर बात करें यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे शेल्स होते हैं फर्स्ट शेल की बात करें सेकंड शेल की बात करें थर्ड शेल की बात करें फर्स्ट शेल में तो दो इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम सीट से उतनी है सेकंड शेल में एट इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे थर्ड शेल में भी एट इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे अभी के लिए इतना बहुत है कि दो इलेक्ट्रॉन्स एन एट इलेक्ट्रॉन्स एन एट इलेक्ट्रॉन्स यहां पे क्या होगा नाउ लेट्स से कि हमारे पास सेवन इलेक्ट्रॉन्स हैं तो सेवन इलेक्ट्रॉन्स के केस में क्या होगा दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फिल हो जाएंगे और पांच इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फिल हो जाएंगे और हमें बाहर से क्या हो चाहिए हो गए कुछ इलेक्ट्रॉन्स की नीड होगी हमें जरूरत होगी किसी इलेक्ट्रॉन्स की तो हम क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेंगे ठीक है हम क्या करेंगे ले लेंगे किसी और से इलेक्ट्रॉन्स को मांगेंगे कि हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए मेरे को जरूरत है मेरे को भूख लगी है इलेक्ट्रॉन्स की ठीक है जैसे वो बर्गर मांग रहा था उससे इसने क्या मांगे इलेक्ट्रॉन्स मांगे ठीक है अभी दो तीन चीजें होती है हमारे पास जैसे अगर मैं सारे एलिमेंट्स की बात करती हूँ दिस इज हाइड्रोजन दिस इज हीलियम दिस इज लिथियम लिथियम बेरीलियम बोरोन एंड कार्बन एंड नाइट्रोजन बस इतने बहुत है हमारे लिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है तीन है चार है पांच है छ है सात ठीक है इस वाले में क्या होगा जो फर्स्ट रो है उसकी एक सीट फिल हो जाएगी एक रह जाएगी इसमें दोनों सीट्स फिल हो जाएंगी इसमें फर्स्ट की दो सीट्स फिल हो जाएंगी और उसके बाद सेकेंड रो की एक सेट फिल होगी हो बेरीलियम में फर्स्ट की दोनों सीट्स फिल हो जाएंगी सेकेंड की दो फिल होंगी बोरोन में पहले की दो फिल होंगी उसके बाद तीन फिल हो जाएंगी इसमें पहले की दो होंगी एंड देन यहाँ पे चार फिल होंगी इसमें पहले दो होंगी एंड यहाँ पे पांच फिल होंगी नाव लेटर्स से कि यहाँ पे ये हमें फिलिंग की तो बात कर ली पर जब हम आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं ना आयनिक बॉन्ड में इधर वो क्या करता है लूज करेगा या तो गेन करेगा आयनिक में क्या हो रहा है एक बंदा बर्गर ले रहा है और एक बंदा दे रहा है ठीक है एक बंदे से लूज हो रहा है एक बंदे से क्या हो रहा है बर्गर जा रहा है एक बंदे के पास आ रहा है मतलब दोनों शेयर नहीं कर रहे हैं. एक लूज कर रहा है और एक गेन कर रहा है अभी वो कौन सी चीज़ डिसाइड करेगी फिलिंग ऑफ सीट्स डिसाइड करेगी कि वेदर वो बर्गर को लूज करेगा या उसको गेन करेगा पहले दो को तो छोड़ दो क्योंकि यहां पे तो क्या होगा सिर्फ दो दो ही हैं हम ऑक्टेट रूल की बात कर रहे हैं तो हम क्या एट की ही बात करेंगे सेकंड रो की बात करेंगे हम फर्स्ट रो की बात ही नहीं कर रहे ठीक है सेकंड रो पे पहुंचते हैं लिथियम क्या करेगा इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है कितनी वेकेंट सीट्स हैं इसके पास सेवन वेकेंट सीट्स से हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन वेकेंट सीट्स हैं तो ये क्या करेगा इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करना ज़्यादा ईजी है एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा एक ही तो सीट है कोई आपका फ्रेंड है तीन फ्रेंड्स गए पहले ने पहले दो फ्रेंड्स ने तो फर्स्ट रो में बुकिंग कर ली एक पीछे रह गया वो कहता कि अभी मैं सात बंदे कहाँ से लेके आऊँ सेवन पीपल को लेके आना दैट इज़ टफ ठीक है तो वो क्या करता है अपनी सीट छोड़ के मासूम से लोगों की तरह चला जाता है चुपचाप क्या कर जाता है लूज कर देता है इलेक्ट्रॉन को बेरीलियम में क्या होता है दो ने तो पहली सीट पहली रो कर ली दो सेकेंड रो में आ गए उसके पास इसके पास कितनी वेकेंट सीट रह गई इसके पास सिक्स वेकेंट सीट्स रह गई यहाँ पे सेवन वेकेंट सीट्स थी यहाँ पे सिक्स हैं सिक्स लोगों को भी लेके आना मुश्किल बात है तो इसकी वजह से ये भी क्या कर देगा लूज कर देगा इलेक्ट्रॉन को दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा यहाँ पे इसके पास कितनी वेकेंट सीट्स सीट रह जाएंगी पाँच वेकेंट सीट्स सीट रह जाएंगी और पाँच बंदों को इकट्ठे पाँच बंदों को वहाँ पर बिठाना एक साथ वेरी टफ तो ये भी क्या कर देगा लूज कर देगा तीन इलेक्ट्रॉन्स को एंड देन यहां पे क्या है यहां हैं है. अभी इसका क्या है चार ही हैं हैं चार है, और चार और फुल है. तो अभी इसको समझ में नहीं आ रहा है ये क्या करे ये अभी सोच रहा है ये सोच विचार में है हम इसको सोच विचार में ही छोड़ देते हैं कि अभी ये क्या करेगा नाइट्रोजन क्या कर रहा है इसके पास पांच फिल हैं और थ्री वेकेंट है अभी पांच को पांच जाने आके सीट्स में बैठ गए हैं यहाँ पे कितनी सीट्स थी एट सीट्स थी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और यहाँ पे कितने आके बैठ गए हैं एक दो तीन चार पांच पांच आके बैठ गए हैं तीन खाली हैं तो तीन को लेके आना इजी काम है इंस्टेड ऑफ पांच को बाहर निकालना बहुत मुश्किल है पांच के पांच दोस्त आके बैठ गए उनको बाहर लेके जाना ज्यादा टफ है एज कंपेयर टू तीन को लेकर आना ये चीज कौन डिसाइड करिए कि पांच को लेके जाना ज्यादा वो है क्योंकि देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट यहां तक हमारी नंबरिंग है इसका मिड में लेके जाओ तीन और यहाँ पे जब हमारे पास इक्वल में आ जाता है ना कि चार वेकेंड है और चार फिल है तब क्या हो जाता है तब कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है कि तब ये यहां यहाँ पे लूज कर पाता है ना ये गेन कर पाता है क्योंकि अभी तक ये सोच ही रहा है कि मैं लूज करूं गेन करूं मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे कंफ्यूजन में बैठा है कार्बन ये हमारा कार्बन है ठीक है जिनके पास ये मैं आउटर मोस्ट शेल की बात कर रही हूं इनर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स जा चुके हैं ऑलरेडी ठीक है उसके बाद जितने रिमेनिंग होते हैं वो आउटर मोस्ट में सेकेंड रो में फिल है एक, एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना इजी है दो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना इजी है तीन इलेक्ट्रॉन को लूज करना इजी है ठीक है उसके बाद पांच इलेक्ट्रॉन अगर फिल हैं तो तीन को गेन करना इजी है यहाँ पे दो को गेन करना इजी है और यहाँ पे एक को गेन करना इजी है अगर एट के एट फिल हैं तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है ना गेन करने की ज़रूरत है वो ऑलरेडी स्टेबल है वो इंसान ऑलरेडी अपनी वेकेंट सीट आठ फ्रेंड्स गए हैं पहली दो सीट्स फिल हो चुकी हैं पिछली भी कितनी सॉरी यहाँ पे दस फ्रेंड्स जाएंगे ना दो क्या हो जाएंगी फर्स्ट रो वाली एंड आठ हो जाएंगी सेकेंड रो वाली ठीक है तो टोटल हो जाएंगे दस और हमारे आउटर मोस्ट शेल में कितने आ गए एट आ गए तो सेकेंड रो की एट सीट्स भी फिल है फर्स्ट रो की दो सीट्स भी फिल है तो इसको तो छेड़ने की जरूरत ही नहीं है ये तो ऑलरेडी साधु संत बंदा है ये ऑलरेडी बैठा है स्टेबल इसको कोई जरूरत नहीं है लूज गेन ये इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर है तो इसकी तो हम बात ही नहीं करते ये क्या है बहुत ही ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट है इनकी बात कर रहे हैं अगर एक दो तीन होंगे लूज करने वाले मतलब तीन तक वेकेंट तीन तक फिलिंग होगी तो क्या होगा ये लूज कर देगा अगर पांच छ और सात फिल होंगे यहाँ पे कितनी सीट्स फिल होगी पांच फिल होगी यहाँ पे छ होगी यहाँ पे सात तो उसको गेन करना इजी है मतलब वो एक दो तीन को ही गेन या लूज कर सकता है उससे ज्यादा को वो गेन या लूज नहीं कर पाता यहाँ पे गेन कर रहा है एक दो तीन को यहाँ पे एक दो तीन इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है सो okay. so, यही हमारा ऑक्टेट रूल है ऑक्टेट रूल क्या बोलता है ऑक्ट का मतलब होता है एट इलेक्ट्रॉन्स ये यही बोलता है कि जो आउटर मोस्ट शेल है ना आउटर मोस्ट शेल है ठीक है उसमें एट इलेक्ट्रॉन्स फिल होने चाहिए या तो आप बिल्कुल जीरो कर दो अदरवाइज एट इलेक्ट्रॉन्स को फिल करो ये हमारा ऑक्टेट रूल बोलता है नाउ लेट्स जंप टू कार्बन कि कार्बन तो अभी सोच ही रहा था ना कार्बन तो कंफ्यूजन में ही था मैं लूज करूं या गेन करूं अभी देखते हैं कि कार्बन क्या करता है लूज करता है गेन करता है क्या करता है नाउ वी हैव कार्बन कार्बन में टोटल होते हैं सिक्स इलेक्ट्रॉन्स जिसमें से दो इलेक्ट्रॉन्स किस में आ जाएंगे फर्स्ट रो में आ जाएंगे मतलब फर्स्ट शेल में चले जाएंगे पीछे कौन से इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे चार इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे दैट इज़ आर आउटर मोशल कार्बन एटम हैज़ फोर इलेक्ट्रॉन्स इन दउटर मोशल वो तो या तो लूज करेगा या तो गेन करेगा लेट्स सी लूज करने के लिए चार के चार इलेक्ट्रॉन को लूज करना कितनी सीट्स हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात एक दो तीन चार इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं पहले तो इसको बाहर निकालना फिर इसको बाहर निकालना इसको बाहर निकालना इसको बाहर निकालना चार इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना इकट्ठे बहुत ही ज्यादा एनर्जी चाहिए हमें बहुत ही ज्यादा एनर्जी इनको देनी पड़ेगी और उनको बाहर निकालना पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर पड़े हैं ठीक है साइज छोटा है साइज इज स्मॉल कार्बन का जो साइज है दिस इज योर न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अंदर क्या पड़ा है न्यूक्लियस के अंदर पड़ा है प्रोटोन पड़े हैं एंड न्यूट्रॉन्स पड़े हैं दिस इज योर फर्स्ट शेल एंड दिस इज योर सेकेंड शेल अभी यहाँ पे तो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ही ये एक दो तीन चार पांच सॉरी इरेज दिस यहाँ पे कितने हो गए चार इलेक्ट्रॉन लेट्स डू दैट अगेन ये रहा आपका न्यूक्लियस जिसके अंदर कौन पड़ा है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दिस इज योर फर्स्ट शेल एंड दिस इज योर सेकेंड शेल फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स है सेकेंड शेल में एक दो तीन चार चार इलेक्ट्रॉन्स हैं चार इलेक्ट्रॉन्स को पहले इसको बाहर निकालना ये न्यूक्लियस के बहुत पास है जो सेकेंड शेल होता है ना वो न्यूक्लियस के बहुत पास है तो तीन को तो हम किसी तरीके से निकाल लेंगे बट फिर उसके बाद फोर्थ को भी निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है दैट इज़ नियर टू इम्पॉसिबल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल चीज़ हो जाती है हम इतनी एनर्जी प्रोवाइड ही नहीं कर सकते कि हम चारों के चार इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल लें इसकी वजह क्योंकि वो जिद पे अट जाते हैं वो कहते हैं हम चार नहीं उठेंगे कोई चार एक्स्ट्रा लेके आओ हम नहीं उठने वाले हैं हम अपनी सीट नहीं छोड़ेंगे बहुत ज़िद्दी हैं ठीक है जिद पे अट जाते हैं अगर तीन होते तो उनका पलड़ा क्या हो जाता है छोटा हो जाता है यहाँ पर उनका पलड़ा भारी हो चुका है वो कहते हैं कि अभी हम चार इंसान है हम चार और को तो लेके आ ही सकते हैं हम यहां से नहीं जाएंगे आप चार को एक्स्ट्रा को ले आओ हम अपनी सीट ही छोड़ने वाले हम तो अपना शो देख कर ही जाएंगे ये बात बोल रहे हैं वो तो हम इसको लूज भी नहीं करवा सकते इन केस ऑफ कार्बन नाउ गेनिंग में क्या होता है एज आई टोल्ड यू जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं एक एटम के बीच में यहां पे कितने प्रोटॉन्स है अगर हमारे पास सिक्स इलेक्ट्रॉन्स हैं तो प्रोटॉन्स भी सिक्स ही हैं अभी सिक्स प्रोटोन हो और अगर हमने चार इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लिए कलर एक दो तीन चार ये चार हो गए हमारे पास एक्स्ट्रा अगर हमने एक्स्ट्रा लेकर आ गए हम चार तो यहाँ पे क्या होगा सिक्स प्रोटॉन्स के पास कितने आ जाएंगे टेन इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे जिसको हैंडल करना इज नॉट इजी हमारे पास शो हो होता है हम इतना बड़ा फ़ोर चार्ज हम मैं uh, हम हैंडल नहीं कर पाते सिक्स जो इलेक्ट्रॉन्स सिक्स प्रोटॉन्स हैं वो पॉजिटिव होते हैं दे आर पॉजिटिव इन नेचर एंड दीज आर नेगेटिव इन नेचर ये एक हद तक नेगेटिविटी को अपना uh, कंट्रोल कर सकते हैं बट अगर इनके पास अगर आप सिक्स प्रोटॉन्स के पास दस इलेक्ट्रॉन्स भेज दोगे तो वो हैंडल नहीं कर पाएंगे इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी को इतनी ज़्यादा नेगेटिव चार्ज को वो हैंडल नहीं कर पाओगे आप भी ज़्यादा नेगेटिविटी को हैंडल नहीं कर पाते ना एक लिमिट तक चाहिए इलेक्ट्रॉन्स इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स वो हैंडल नहीं कर पाएगा इसकी वजह से वो गेन भी नहीं करता इलेक्ट्रॉन्स को ना लूज करता है ना गेन करता है मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो ये नहीं कर रहा ये क्या कर रहा है ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है नॉट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ठीक है दैट इज आर कोवेल बॉन्ड दैट्स इट फॉर्म्स कोवेल बॉन्ड द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज दैट इट इज टेट्रावेलेंट टेट्रावेलेंट का क्या मतलब है टेट्रा मींस फोर वेलेंट मतलब वेलेंसी मतलब कार्बन की वेलेंसी क्या है उसकी वेलेंसी चार है इसका क्या मतलब है कि कार्बन चार बॉन्ड्स बनाता है चार बॉन्ड कैसे बना रहा है देखो मैंने आपको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था कि आपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन देखने हैं यहाँ भी हम इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को डॉट से मेंशन कर लेते हैं किसके पास एक इलेक्ट्रॉन है दो इलेक्ट्रॉन है तीन इलेक्ट्रॉन है चार इलेक्ट्रॉन एक है एक्चुअल में तो इसके पास छह इलेक्ट्रॉन है दो इलेक्ट्रॉन कौन से इनर शेल में है ये न्यूक्लियस है यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे आउटर मोस्ट जो, जो शेल है वहां पे हमारे पास चार इलेक्ट्रॉन है तो हम इनर मोस्ट वाले को नहीं गिनते हैं ठीक है जब भी हम बॉन्ड फॉर्मेशन दिखाते हैं तो हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को लेके चलते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन चार हैं अभी मैंने क्या बोला था ना तो ये लूज करने वाला है ना तो ये गेन करने वाला है ये क्या करेगा ये शेयर करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर मतलब ये बोलेगा मेरे पास तो मैं अपने इलेक्ट्रॉन्स रखूंगा ही मैं किसी और को भी दे दूंगा जैसे हाइड्रोजन आया इसके पास हाइड्रोजन कहता मेरे पास यार एक ही इलेक्ट्रॉन है और मैं भी चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉन मेरे पास रहे कि अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है वही मैं खो दूंगा तो मेरे पास क्या रह जाएगा कुछ भी नहीं तो कहते हम एक काम करते हैं तेरे को भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है मेरे को भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो हम दोनों क्या करते हैं शेयरिंग कर लेते हैं तो एक बॉन्ड यहाँ पे बना लेते हैं ये फिर से एक और हाइड्रोजन आता है वो कहता है अभी तेरे को बस तीन और इलेक्ट्रॉन चाहिए अगर मैं तेरे को इलेक्ट्रॉन दे दू अपने वाला हम शेयर कर लेते हैं कहता ठीक है एक और बना लेते हैं ऐसे एक और हाइड्रोजन आ जाता है उसके साथ भी बॉन्ड फॉर्म कर लेते एक और हाइड्रोजन आ जाता है उसके साथ भी ये बॉन्ड फॉर्म कर लेता है ये तो मैंने आपको हाइड्रोजन के बारे में बताया ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिसके साथ जो कार्बन है वो ऐसे ही बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है तो यहाँ पे कार्बन क्या कर रहा है कार्बन के पास चार इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पड़े हैं ठीक है फोर इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये क्या चाहता है इसको सिर्फ चार एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स चाहिए वो कहीं से भी आ जाए आई एम मैंशनिंग इट बाय क्रॉस क्रॉस से मेंशन कर रही हूँ किसी और एलिमेंट का एटम किसी और एलिमेंट का जो एटम है उसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाए ठीक है उसके साथ ये क्या कर लेगा फिर बॉन्ड फॉर्मेशन अपनी कर लेगा और ये हमेशा कितने बॉन्ड्स बनाता है चार बॉन्ड्स ही बनाता है मैंने आपको हाइड्रोजन वाला शो कर दिया कि कैसे बनाता है धीरे धीरे करते करते हम बाकी एलिमेंट्स के साथ भी बॉन्ड फॉर्मेशन इसकी देखेंगे नाउ वेलेंसी ऑफ कार्बन फोर का क्या मतलब है कि ये चार इलेक्ट्रॉन्स फोर इलेक्ट्रॉन्स को ये चाहता है इट नीड्स फोर इलेक्ट्रॉन्स इसको चार इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए इसको हम टेक्ट्रा वेलेंसी बोल देते हैं जैसे किसी को तीन इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए होते किसी को दो इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए तो इसको चार इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए होते, होते हैं और ये अपनी वेलेंसी कैसे कंप्लीट करता है बाय शेयरिंग बाकी क्या करते हैं ट्रांसफर के साथ कर लेते हैं या तो दे देते हैं या तो ले लेते हैं ये क्या करता है ये कहता है मैं तो अपने इलेक्ट्रॉन्स अपने पास ही रखने वाला हूँ आप अपने काम करो आप भी इलेक्ट्रॉन्स अपने पास ही रख लो हम क्या करते हैं एक जुगाड़ सा लगा लेते हैं हम शेयर कर लेते हैं कि जो चीज़ जिसके पास है उतनी रहेगी ठीक है सपोज कर लो कि ये रहा आपका घर ये रहा आपके नेबर्स का घर और बीच में क्या है एक गार्डन है ठीक है और ये गार्डन एक प्लॉट खाली है दिस इज द प्लॉट दिस इज हाउस नंबर वन दिस इज हाउस नंबर टू अभी प्लॉट जो है वो बहुत महंगा है ना इनके पास इतने पैसे हैं ना इनके पास इतने पैसे हैं तो ये क्या करेंगे ये बोलेंगे हम एक काम करते हैं हम दोनों शेयरिंग से ये प्लॉट को खरीद लेते हैं ठीक है इसका गार्डन बना लेंगे आप भी यूज़ कर लेना हम भी यूज़ कर लेंगे दोनों इस प्लॉट को यूज़ कर लेंगे तो इस मतलब थोड़ा सा जुगाड़ी काम कर लो कि मैंने देना भी नहीं है मैंने पूरा लेना भी नहीं है काम करो शेयर सा कर लेते हैं थोड़ा सा नाव कार्बन की एक और प्रॉपर्टी होती है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहली तो हमने पढ़ी कि ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है फिर वो कितने बॉन्ड्स बनाता है वो चार बॉन्ड बनाता है अभी ये चार बॉन्ड ऐसा नहीं है कि वो हाइड्रोजन के साथ बना रहा है कुछ ऑक्सीजन के साथ बना रहा है कुछ नाइट्रोजन ऐसा नहीं है कहता कार्बन कार्बन के साथ भी बॉन्ड बनाता रहता है मतलब ये आपने कंपाउंड शायद देखे भी हो बहुत जगह पर कि जो कार्बन है वो खुद के साथ ही बॉन्ड बनाता है ठीक है अपने ही तरह के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बॉन्ड बना लेता है दैट इज कार्बन कम्पाइंड विद सेल्फ एटम टू एटम ये एक एटम है फिर दूसरा एटम है ये तीसरा एटम है ऐसे बहुत लंबी लंबी चेन्स बना लेता है ये टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स गिविंग राइज टू एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बहुत ही ज्यादा कंपाउंड बना देता है कई बारी तीन कार्बन एटम चेन हो जाती है कई बारी चार हो जाती है कई बारी पांच हो जाती है और ऐसा ही नहीं कि इसी फॉर्म में बहुत डिफरेंट फॉर्म्स में बनाता है लेट्स सी कि किन डिफरेंट फॉर्म्स में वो एक दूसरे के साथ कार्बन एटम्स अटैच होते हैं ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम द बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड डू नॉट ब्रेक एंड हैंड स्टेबल कितना क्यों इतने ज्यादा बॉन्ड्स बना रहा है वो वाई सो मच बॉन्ड्स क्योंकि कार्बन का मैंने बताया था एटम का साइज स्मॉल है इसका इसकी वजह से ये बॉन्ड जो है वो बहुत स्ट्रांग बनाता है बहुत ही ज़्यादा न्यूक्लियस के पास होते हैं ना अभी जो भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे दिस इज न्यूक्लियस दिस इज योर फर्स्ट एंड दिस इज योर सेकंड शेल जो एक्स्ट्रा भी आते हैं एक दो तीन चार तो इसी के हो गए उसके पास जो चार एक्स्ट्रा आए इसके पास दो तीन चार वो भी क्या है न्यूक्लियस के बहुत पास है इसकी वजह से उसको होल्ड अच्छे तरीके से करके रखते हैं ठीक है थीके? जो एक्स्ट्रा चीज़ आई है उसको भी संभाल के रखना मुश्किल है अभी अगर आपके घर पे आपने रेंट पे दिया हुआ है अपना घर तो आपके जो रेंट वाले हैं अपने टेनेंट्स को संभाल के रखना टेनेंट्स बहुत इजीली जा भी सकते हैं तो टेनेंट्स को अच्छे तरीके से रखना पड़ता है ताकि उनको भी कोई दिक्कत ना हो तो ये टेनेंट्स ही है ये इसके घर में कार्बन के घर में टेनेंट्स ही हैं तो अगर वो हमें रेंट दे रहे हैं वो रेंट किसी और को भी दे सकते हैं तो भी हमें क्या करना पड़ेगा उनको बड़े ध्यान से रखना पड़ेगा उनको होल्ड करके रखना पड़ेगा उनके साथ अच्छे से इंटरेक्ट करना पड़ेगा तभी वो वहाँ पे टिकेंगे नहीं तो टिकने वाले नहीं है क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है वो इस सेकेंड शेल के बहुत पास है इसकी वजह से इसको अच्छे तरीके से होल्ड करके कर रखते हैं एज जो न्यूक्लियस है दैट इज़ पॉजिटिव एंड ये इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं तो पॉजिटिव तो नेगेटिव को वैसे ही अट्रैक्ट करता है और जितनी पास होंगे उतनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी सो दैट्स वाई स्मॉल साइज़ की वजह से ये अच्छे तरीके से इसको होल्ड करके कर रखता कर कर है एंड नाउ दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड कैटिनेशन इस जो प्रॉपर्टी को ये जो हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं कि सेल्फ कॉम्बिनेशन या बात कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट खुद के साथ कंबाइन करने को क्या बोलते हैं दी साइंटिफिक नेम केमिस्ट्री में इसको क्या बोला जाता है दैट इज कैटिनेशन इट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन सिलिकॉन आल्सो शो कैटिनेशन बट बॉन्ड्स आर अनस्टेबल हमारे पास कार्बन एक कैटिनेशन को शो करता है और एक सिलिकॉन एटम होता है जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को शो करता है बट वो जो एटम होता है ना वो थोड़ा सा बड़ा होता है ठीक है कार्बन तो बहुत छोटा है सिलिकॉन uh, थोड़ा सा बड़ा होता है इसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से होल्ड नहीं कर पाता इसकी वजह से जो कार्बन और कार्बन बॉन्ड है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं बट जो सिलिकॉन एंड सिलिकॉन बॉन्ड्स है दे आर अनस्टेबल वो इतने स्ट्रांग नहीं होते आई टोल्ड यू कि जो कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है ना उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन एंड ये बहुत डिफरेंट वेज में बॉन्ड बनाता है नाउ लेट सी कि कौन कौन सी वो डिफरेंट वेज की मैं बात कर रही हूँ फर्स्ट वे इज़ स्ट्रेट चेन स्ट्रेट चेन कैसे बनाता है स्ट्रेट चेन जैसे कार्बन कार्बन के साथ कंबाइन किया और कार्बन फिर कार्बन के साथ कंबाइन करता गया करता गया करता गया एक स्ट्रेट मतलब जैसे आप खड़े हो ये फर्स्ट बच्चा खड़ा है उसके बाद उसके पीछे दूसरा तीसरा बच्चा चौथा पांचवा तो ऐसे करके जैसे आप असेंबली में नहीं खड़े होते कि आप एक रो में खड़े हो जाते हो सारे ठीक है वन आर्म डिस्टेंस के साथ उस चीज़ को हम स्ट्रेट चेन बोल देते हैं नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज ब्रांच ब्रांच का क्या मतलब है ब्रांच चेन ब्रांच चेन क्या होती है जैसे ट्रीज होते हैं ना वो ब्रांच होती है ये रहा आपका ट्री इसके बाद इसकी फर्स्ट ब्रांच निकलेगी उसके साथ आपकी दूसरी ब्रांचेस निकलेंगी फिर उसके मे भी उसके आगे भी दो और निकला है तो ये क्या हो जाती है उसके आगे आगे फर्दर क्या होती रहती है ब्रांचेज निकलती रहती है माई ड्राॅइंग इज नॉट गुड सो डोंट जज मी ऑन दैट ब्रांच चेन का अभी हम ड्रॉ करते हैं कार्बन कैसे ब्रांच बनाता है दिस इज कार्बन इसने क्या किया इस कार्बन के साथ कंबाइन किया, किया इसने इसके साथ कंबाइन किया इसने फर्दर ऐसे कंबाइन कर दिया फिर ऐसे कंबाइन हो गया फिर तो उसके बाद यहाँ पे और कम्बिनेशन हो गया यहाँ पे एक कम्बिनेशन कर दिया और इसने यहाँ पे एक कम्बिनेशन कर दिया तो ऐसे करते करते इसने अभी क्या बना दी यहाँ पे ब्रांच हो गई ये एक ब्रांच की तरह आपको लग रहा होगा जैसे ट्री है ना उसकी फर्दर आगे और और ब्रांचेस छोटी छोटी निकलती रहती है वैसे ही इसकी क्या होती गई फर्दर ब्रांचेस निकलती गई इस चीज को हम क्या बोलेंगे ये एक स्टेट चेंज आ रही है इसके बीच में एक एक्स्ट्रा एक ये चीज लग गई है तो दिस इज वॉट दिस इज ब्रांच चेन ब्रांचेस की तरह नेक्स्ट इज योर साइक्लिक कंपाउंड थर्ड तरह की कौन सा बनाता है साइक्लिक कार्बन कंपाउंड बनाता है वो कैसे ये रहा एक ये रहा दूसरा एक साइकिल की तरह जैसे एक सर्कुलर चीज होती है ना जो क्लोज हो जाती है इस तरीके से इसने क्या कर दिया एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लिया कार्बन कार्बन के साथ तीन तरीके से बॉन्ड बना रहा है एक तो हमने स्ट्रेट चेन देखी ठीक है दूसरी हमने देखी ब्रांच चेन जिसमें क्या होगा एक स्ट्रेट चेन के ऊपर कुछ ब्रांचेस आ जाएंगी फर्दर आगे ब्रांचेस बनती रहेंगी ठीक है और भी ब्रांचेस फर्दर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा बन जाएगा एक होगा सर्कल में दिस इज साइक्लिक दिस इज ब्रांश एंड दिस इज स्ट्रेट इस तरीके से कैटिनेशन की प्रॉपर्टी क्या करता है कार्बन शो करता है कैटिनेशन इज वॉट सेल्फ कॉम्बिनेशन एज वी हैव ऑलरेडी स्टेड हमने कार्बन की प्रॉपर्टीज देख चुके हैं बॉन्ड बनाता है ये टचावलेंट है एनडीथ प्रॉपर्टीज कैटिनेशन वो पूरी डिटेल में हम पढ़ चुके हैं स्टडी दी ऑफ कार्बन कार्बन हमारी नेचर में किस तरीके से पाया जाता है दो फॉर्म्स में ये पाया जाता है फर्स्ट इज फ्री स्टेट एंड नेक्स्ट इज कंबाइंड स्टेट 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 फ्री फ्री का क्या मतलब है? मतलब है पे सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम ही होता है ये जो फ्री स्टेट्स वाले कंपाउंड होते हैं ना जैसे डायमंड हो गया डायमंड के अंदर भी सिर्फ कार्बन है ग्रेफाइट के अंदर भी सिर्फ कार्बन है बकमेंटर फुलरिन के अंदर भी सिर्फ कार्बन है इन तीनों में और कोई एलिमेंट नहीं पाया जाता मतलब कार्बन अपने साथ ही कैटिनेशन के प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए अपने साथ ही बॉन्ड फॉर्म करके ये तीन चीज़ें बनाता है कंबाइंड स्टेट का क्या मतलब है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होना यहाँ पे कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट भी आ चुका है ऑक्सीजन आ चुका है कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया और उसने कार्बन डाइऑक्साइड बना दी कंबाइंड हो गया ना सेकेंड इज कार्बोनेट्स कार्बोनेट्स के आप एग्जाम्पल लो मार्बल जैसे मार्बल है मार्बल इज क्या होता है मार्बल बना होता है सी ए सी ओ थ्री ये क्या है सी ए क्या है कैल्शियम कार्बोनेट ठीक है कार्बोनेट एक्चुअल में ये होता है दिस इज कार्बोनेट आयन ये कार्बोनेट का आयन होता है सो so, कार्बोनेट्स की फॉर्म में भी पाया जाता है कंबाइंड स्टेट में नेक्स्ट इज फॉसिल फ्यूल्स अभी फॉसिल फ्यूल्स की हम फर्दर डिटेल्स में नहीं जाने वाले हैं फॉसिल फ्यूल्स में हम इतना समझो कि कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस ये सब एल ठीक है डीजल ये सब चीज़ें होती है फॉसिल फ्यूल्स ये भी कार्बन किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो हमारा पूरा का पूरा चैप्टर ही इसी बेसिस पे है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने टाइप के होते हैं हम सब डिस्कस करने वाले हैं तो ये तो आपको धीरे धीरे पता लग ही जाएगा नेक्स्ट इज़ वुड कॉटन वूल ये सब चीज़ें भी क्या होती है कंबाइंड स्टेट में होती है कार्बन की कार्बन फ्री स्टेट में नहीं होता फ्री स्टेट में सिर्फ कार्बन ही प्रेजेंट होता है और कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता और इन तीन चीजों को ना एक और चीज बोलते हैं जैसे डायमंड ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फ्लोरिन को हम एलोट्रॉप्स बोलते हैं एलोट्रॉप दीज आर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन मतलब इनका अंदर कॉम्बिनेशन सेम है अंदर तीनों के कार्बन ही है और कुछ प्रेजेंट नहीं है इनके पास सिर्फ स्ट्रक्चरल डिफरेंस है इसकी वजह से डायमंड अलग दिखता है ग्रेफाइट अलग दिखता है और बकमिंस्टर फुलरिन अलग दिखता है एंड दिस इज़ आर नेक्स्ट टॉपिक ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट आर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन इसकी क्या हम बोल सकते हैं इसको कि डिफरेंट फिज़िकल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है फिजिकल फॉर्म्स इसकी डिफरेंट होती है ठीक है मतलब इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है स्ट्रक्चर हम तीनों का पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर इज डिफरेंट बट इनके बीच में तीनों के बीच में कौन सा एलिमेंट होता है कार्बन एलिमेंट ही होता है और कोई इसके बीच में एटम होता ही नहीं है ओनली कार्बन इज प्रेजेंट इन दीज थ्री फॉर्म्स और वो कौन सी थ्री फॉर्म्स है फर्स्ट इज डायमंड सेकेंड जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो डायमंड ग्रेफाइट एंड फुलरी नाउ धीरे धीरे करके हम इन तीनों को डिटेल में अभी पढ़ेंगे लेट्स फर्स्टली टॉक अबाउट डायमंड एंड ग्रेफाइट्स की प्रॉपर्टीज पे जाते हैं दिस इज हाउ डायमंड लुक, दिस इज हाउ ग्रेफाइट लुक डायमंड एकदम चमकता है बहुत ब्यूटीफुल और कितना महंगा आता है ग्रेफाइट में तो क्या होता है जो आपकी पेंसिल है ना पेंसिल का जो अंदर का ब्लैक कलर का सॉलिड पोर्शन होता है ना जो उसकी लीड होती है उसको हम क्या बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज ग्रेफाइट वो ग्रेफाइट का बना होता है ठीक है पेंसिल की लीड ग्रेफाइट की बनी होती है अभी वो कितने कितनी पेंसिल खुद ही पाँच मैक्सिमम पाँच रुपये की आती होगी और डायमंड करोड़ों में आता है लाखों करोड़ों में आता है डायमंड छोटा सा इतना सा भी डायमंड आपने लेना होगा ना वो भी दस बीस हज़ार का होगा और इतनी सी पेंसिल का तो कोई मोल ही नहीं है डेंट हैनी वैल्यू बने दोनों कार्बन से ही हुए हैं ये भी कार्बन से बनाए ये भी कार्बन से बनाए जस्ट बिकॉज इसके अंदर स्ट्रक्चरल डिफरेंस है उसकी वजह से डायमंड अलग तरीके की इसकी कॉस्ट है इसकी बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके से यूज़ होता है और ग्रेफाइड का यूज़ अलग तरीके से होता है ना लेट्स सी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइड डिफरेंटली कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस ये कलरलेस होता है जो डायमंड होता है आपने देखा ही है डायमंड कलरलेस ट्रांसपेरेंट होता है ठीक है हम इसके सी थ्रू कर सकते हैं डायमंड से ठीक है एकदम से चमकता है ठीक है दिस इज ग्रेश ब्लैक ओपेक सब्सटेंस पेंसिल की लीड को देख लेना दैट इज़ ग्रेश ब्लैक ओपेक मतलब हम इसको सी थ्रू नहीं कर सकते ठीक है अभी ये जो है ये है बड़ा सारा पीस ग्रेफाइट का क्या आप यहाँ से दूसरी वाली साइड देख सकते हो नहीं डायमंड से आप फिर भी सी थ्रू कर सकते हो इस साइड से अगर आप यहाँ पे डायमंड रखोगे आपको थोड़ा बहुत पीछे वाला एरिया नजर आ जाएगा नेक्स्ट सेकंड इज हार्डेस्ट मटेरियल नोन डायमंड इज द मोस्ट हार्डेस्ट मटेरियल नोन सबसे ज़्यादा हार्ड होता है और ग्रेफाइट बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है और बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी होता है नेक्स्ट क्वाइट हैवी डायमंड हेवी होता है और ग्रिफाइट देखो इनकी प्रॉपर्टीज देखो बिल्कुल डिफरेंट है ये ट्रांसपेरेंट है ये ओपेक है ये हार्ड है और ये सॉफ्ट है ये हैवी है ये लाइट है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवाता ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाता है बने दोनों कार्बन से फिजिकल प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट बट एलिमेंट सेम है अंदर ऐसा क्यों है वो इनके स्ट्रक्चर पे हम लोग जाके देखते हैं डायमंड डायमंड एंड ग्रेफाइट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट लेट्स सी स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट स्ट्रक्चर से ही हमें इन दोनों का एक्चुअल पता लगेगा क्योंकि प्रॉपर्टीज क्यों अलग अलग है इनकी ठीक तो है जो डायमंड है दैट इज अ अंट मॉलिक्यूल बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल होता है वन कार्बन एटम टू फोर अभी इस चीज को बहुत ध्यान से समझना है दिस इज योर वन कार्बन एटम ये जो ब्लैक डॉट्स है ना देस आर शोइंग कार्बन एटम्स ठीक है और ये जो रेड से है ये बॉन्ड है एक कार्बन एटम फर्दर चार कार्बन एटम के साथ अटैचड है ये कार्बन एटम एक दो तीन चार के साथ अटैच है ये कार्बन एटम एक दो तीन चार के साथ अटैचड है ठीक है हर एक कार्बन एटम चार कार्बन एटम्स के साथ अटैचड है और किस तरीके से इस तरीके से अटैच है अगर ये कार्बन एटम है दिस इज वन दिस इज टू दिस इज थ्री दिस इज फोर दिस इज फाइव एक कार्बन एटम फर्दर चार कार्बन एटम्स के साथ टेट्राहेड्रली अटैच्ड है यहाँ पे आई थिंक मेंशन भी होगा यहाँ पे मैंने लिखा नहीं हुआ कि ये टेट्राहेड्रली एक दूसरे के साथ क्या होते हैं अटैच होते हैं दिस इज टेट्राहेड्रल अटैचमेंट इसे बोलते हैं इसका मैं आपको ध्यान से एक बारी इन थ्री डी दिखाती हूँ कि किस तरीके से टेट्राहेड्रल मैं बोल रही हूँ सी ओके नॉलेट सी कि मैं आपको किस तरीके से टेट्राहेड्रली बोल रही हूँ दिस इज योर कार्बन ऐटम यह आपका कार्बन आइटम है यहां पर इसने यहाँ पे दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाया ओके okay? अभी ये जो कार्बन ऐटम है ये फर्दर एक और कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है तो थोड़ा सा मैंने जुगाड़ लगाया यहाँ पे तो ले बनता है कुछ है नहीं बनता ओके दिस इज योर सेकेंड बॉन्ड एक फर्स्ट बॉन्ड सेकेंड बॉन्ड एंड यहाँ पे कौन सा होगा थर्ड बॉन्ड थर्ड बॉन्ड को हम इस तरीके से शो कर देते हैं थर्ड बॉन्ड इस तरीके से यहाँ पे जाएगा लेट्स से अगर यहाँ पे ही ये अटैच होता है दिस इज योर थर्ड बॉन्ड ये फर्स्ट बॉन्ड है ये सेकेंड बॉन्ड है ये आपका थर्ड थर्ड बॉन्ड है एंड जो इसका फोर्थ बॉन्ड होगा ना वो अलग से ऐसे जाएगा दिस इज हाउ टेट्रा हेड्रल अरेंजमेंट इज कि एक ऐसे बॉन्ड है बाकी तीन बॉन्ड इस तरीके से फैले हुए हैं कि एक इस साइड जा रहा है एक इस साइड जा रहा है और एक इस साइड एक मेरी तरफ आ रहा है एक इस साइड जा रहा है और एक इस साइड जा रहा है ठीक है उस चीज को हम क्या बोलते हैं टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट तो कार्बन एटम जो है इन डायमंड दे आर टेट्राहेड्रली अरेज दिस इज अ थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर मतलब तीन डायमेंशन में है ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस तीनों का यूज हो रहा है इसमें ठीक है टू डी में नहीं है जो पेपर होता है ये जो आ, हम अब जब हम पेपर की बात कर रहे हैं या इस चीज़ की बात कर रहे हैं ये स्क्रीन की बात करें ये टू डी में है थ्री डी क्या होगा अगर यहाँ से कोई चीज़ बाहर निकल के आ जाए आपके पास तो वो थ्री डी में चली जाएगी तो ये क्या है ये थ्री डी में तीनों जगह पर इवॉल्व है हाई डेंसिटी एज इट इज़ पैक्ड क्योंकि ये बहुत ही टेट्राहीड्रोली हाईली पैक्ड स्ट्रक्चर होता है बहुत अच्छे बॉन्ड्स के साथ ये जुड़ा होता है ठीक है सभी यहाँ पे कौन से बॉन्ड है ये सभी क्या है कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं बहुत ही टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर होता है इसकी वजह से क्या है इसकी डेंसिटी बहुत हाई होती है डेंसिटी मतलब भारीपन ये बहुत भारी होता है क्योंकि बहुत कम स्पेस में बहुत ज़्यादा बॉन्ड्स आ जाते हैं इसकी वजह से क्या हो जाता है भारी हो जाता है इट इज हैज़ हाई डेंसिटी एज इट इज़ पैक्ड इट इज़ अ रिजिड मॉलिक्यूल रिजिड का मतलब क्या है इट हैज़ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स स्ट्रोंग बॉन्ड्स है तो इसको ब्रेक करना ईजी नहीं है तभी तो ये हार्डेस्ट सब्सटांस है ना तभी हम इसको हार्डेस्ट सब्सटांस बोलते हैं जो इसकी प्रॉपर्टीज है ना उसका आंसर इसके स्ट्रक्चर में ही है हार्डेस्ट सब्सटांस इसीलिए है क्योंकि ये कोवलेंट स्ट्रक्चर से बॉन्डेड है और बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से हैं ठीक है हेवी किसके लिए है क्योंकि इसकी हाई डेंसिटी है हाई डेंसिटी और हाई डेंसिटी क्यों क्योंकि ये पैक्ड बहुत अच्छे तरीके से है अभी हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं ये कंडक्ट इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वॉट डू मीन बाय दैट मैम आपको कैसे पता लगा इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ये रहा कार्बन उसके ऊपर इसने एक बॉन्ड बनाया फिर उसे नीचे तीन बॉन्ड बना दिए ठीक है टेपरा अरेंजमेंट हो रही है हर कार्बन आइटम की यहाँ भी मैं बोल रही हूँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है चार इलेक्ट्रॉन तो इसके थे अभी आई एम रिप्रेजेंटिंग दीज बाय रेड कलर एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन चार तो इसके इलेक्ट्रॉन थे दूसरा मैं भी येलो से मेंशन कर रही हूँ दूसरे कार्बन ने यहाँ पे चार एक इलेक्ट्रॉन दिया इसने भी एक दे दिया इसने भी एक दे दिया इसने भी एक दे दिया मतलब इसके चारों के चारों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपना पेयर मिल चुका है और कोई भी इलेक्ट्रॉन्स अभी फ्री नहीं है ठीक है इसको भी इसका पेयर मिल चुका है इसको भी इसका पेयर मिल चुका है इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी चार इलेक्ट्रॉन इसके फ्री होते हैं ना कार्बन के विदाउट बॉन्ड चार इलेक्ट्रॉन होते हैं एक दो तीन चार तो चारों को क्या मिल चुका है अपना अपना पेयर मिल चुका है चारों को अपना अपना कपल मिल चुका है इसकी वजह से ये क्या है फ्री नहीं है नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन डायमंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है और जब हमने बोला था इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना कंडक्ट कैसे होती है इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो को ही बोलते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी तभी कंडक्ट होगी जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे जब इलेक्ट्रॉन्स ही फ्री नहीं है तो काहे की इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी इसलिए नो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है अभी हम बोल रहे हैं बहुत ही ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं तो इसी की वजह से इसका मेल्टिंग अगर इनके बॉन्ड वीक होते तो थोड़ी सी हीट देते और ये मेल्ट हो जाते बॉन्ड टूट जाते क्योंकि तो बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ती है दैट इज़ थर्टी फाइव हंड्रेड डिग्री सेल्सियस इतनी हीट देनी पड़ती है तब जाके ये मेल्ट होता है ठीक okay? है अगर आप डायमंड होता है वो थोड़ी सी रूम टेम्परेचर पे नहीं पिघलना शुरू कर देता डायमंड ऐसे नहीं पिघलता उसको आप थोड़ी सी लैब में जाके थोड़ी सी हीट दे दोगे नहीं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा दिस मच अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड अगर आपने अपने डायमंड को मेल्ट करना है दीज आर दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायमंड एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड नाउ अभी हम करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट सॉरी फॉर दैट ठीक है नाउ विल डू स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट ग्रेफाइट किस तरह का है इसका स्ट्रक्चर डायमंड के स्ट्रक्चर से कंप्लीटली डिफरेंट है कोई लिंक नहीं है दोनों के स्ट्रक्चर में पहली बात तो ये लेयर्स की फॉर्म में है लेयर्स की फॉर्म मतलब दिस इज द फर्स्ट लेयर से इसको हम बोल देते हैं ये इसकी फर्स्ट लेयर है और ये इसकी सेकेंड लेयर है फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर के बीच में वॉन्डर वॉल इंट्रैक्शन है वॉन्डर वॉल मतलब सिर्फ इंट्रैक्शन है कोई एसिड कोई एक्चुअल में कोई बॉन्ड नहीं है सिर्फ थोड़ी बहुत सी इंट्रैक्शन है जैसे आप ये बात कर सकते हो कि ये रहा आपका अपना घर है हाउस नंबर ये आपके नेबर्स हैं ये दूसरा घर है ये तीसरा घर है अभी जो एक घर के अंदर के जो मेंबर्स हैं उनके बीच में तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोंग बॉन्ड होगा आपके अपने भाई बहनों के साथ अपने मम्मी पापा के साथ अपने दादा दादी के साथ बहुत ही अच्छा बॉन्ड होगा अभी नेबर्स के साथ ना उतना ज़्यादा अच्छा बॉन्ड नहीं होता बहुत अच्छा बॉन्ड होता है आप उनके साथ इंटरेक्ट करते हो आपकी बनती है उनसे बट जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके पेरेंट्स के साथ है उतना स्ट्रांग बॉन्ड आपके नेबर्स के साथ आपका नहीं होगा ठीक है आप अपने मम्मी पापा को बोल सकते हो कि मम्मी मुझे ये चीज़ चाहिए प्लीज़ मुझे ये चीज़ ला दो मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है ठीक है आप नेबर के जाके उसके अपने नेबर के फादर को नहीं बोल सकते कि मुझे नहीं पता मुझे ये ला के दो घर पे जिद कर सकते हो बाहर जाके जिद नहीं कर सकते इसकी वजह से घर पे क्या है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं पर दूसरे घर वालों के साथ इसके घर में जितने मेम्बर्स हैं उनके आपस में स्ट्रोंग बॉन्ड्स हैं बट इन दोनों के घरों में जैसे हाउस नंबर वन के मेम्बर्स और हाउस नंबर टू के मेम्बर्स में सिर्फ क्या है इंटरक्शन है और उनको हम क्या बोलते हैं वॉन्डर वॉल इंट्रैक्शन बोलते हैं ठीक है यहाँ पे ये मैंशन नहीं किया हुआ शायद मैंने ठीक है इट इज मैं वॉन्डर वॉल इंट्रेक्शन इसको क्या बताए वेरियस लेयर्स आर हेल्ड टूगेदर बाय वीक वॉन्डर वॉल वीक होती हैं वो वाली इंट्रेक्शन ठीक है अभी हमने लेयर्स की तो बात कर ली अभी हम देखते हैं एक लेयर में एक्चुअल में किस तरह का बॉन्ड है कैसे वो एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है कैसे वो एक दूसरे के साथ अटैच है वन कार्बन एटम टू थ्री कार्बन एटम यहाँ पे एक कार्बन एटम फर्दर तीन कार्बन एटम के साथ ही अटैच्ड है ठीक है बाय स्ट्रोंग कोवल एंड बॉन्ड्स टू फॉर्म फ्लैट हेक्जागनल रिंग्स हेक्जागनल रिंग्स बनाते हैं इन वन लेयर देखो ये रही एक हेक्सागन क्या होता है हेक्सागन का क्या मतलब होता है दिस आपने अपने मैथ्स में पढ़ा होगा दिस इज वन हेक्सागन जिसमें छह साइड्स होती हैं उसको क्या बोलते हैं हेक्सागन बोलते हैं ठीक है ठीके? और हेक्सागनल रिंग्स का क्या मतलब है जिसमें छह कार्बन हो हम उसको क्या बोल देंगे सिक्स कार्बन एटम्स मेंशन इट हियर सिक्स कार्बन एटम्स दिस इज वन हेक्सागन लेट मी मेंशन इट बाय सम अदर समू 3 4 5 6 छह साइड्स हो गए ये पहला कार्बन दूसरा कार्बन तीसरा फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ ये किसके साथ लिंक है एक और हेक्सागोनल रिंग के साथ लिंक्ड है फिर तो उसके बाद ये फर्दर ऐसे ही चलता रहेगा फर्दर इसी तरीके से ये हेक्सागोनल रिंग जो है आपस में क्या होती रहेंगी अटैच्ड होती रहेंगी ये देखो इस तरीके से ठीक है ये फर्दर ऐसा चलता रहेगा और एक लेयर में हेक्सागोनल रिंग्स आपस में अटैच्ड हैं ठीक है मतलब हेक्सागनल रिंग में क्या हो रहा है रिंग में अगर आप एक हेक्सागन की बात करते हो एक कार्बन एटम फर्दर किसके साथ है यहां पे एक कार्बन एटम है दिस इज वन कार्बन एटम दिस वन कार्बन एटम इज अटैच टू वॉट दिस इज फर्स्ट कार्बन दिस इज सेकेंड कार्बन दिस इज थर्ड कार्बन तीन कार्बन एटम्स के साथ ही अटैच्ड है उससे ज्यादा कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड नहीं है वन कार्बन एटम टू थ्री अगर हम डायमंड की बात करते तो यहाँ पे क्या था वन कार्बन एटम टू फोर एक कार्बन एटम चार के साथ अटैच था यहाँ पे एक कार्बन एटम तीन के साथ अटैच्ड है और ये आपस में डिस्कस कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से है एज आई टोल्ड यू कि कार्बन के पास चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो उसके फ्री घूम रहे होते हैं एक दो तीन चार अभी उसने बॉन्ड बनाना है उसने तीन के साथ तो बॉन्ड बना लिया एक उसका फ्री रह गया तो उसके पास कितने फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए वन फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से वो क्या करता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाता है ठीक है? हैज फ्री इलेक्ट्रॉन, इसी की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाना शुरू कर देता है नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ बकमिंस्टर फलरीन वॉट इज़ बक मंस्टर ये बहुत लेट डिस्कवर हुआ था डायमंड एंड ग्रेफाइट पहले डिस्कवर हो चुके थे ये बहुत लेट डिस्कवर हुआ तो इसकी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ नहीं है हमारे पास इसका आपको थोड़ा बहुत ही पता लगेगा उसका हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें ये किस तरह का होता है पहले तो यहाँ पे मैंने फ़ुटबॉल मैंशन की हुई है ठीक है फुटबॉल क्यों मैंशन की हुई है मैंने यहाँ पे फुटबॉल इसलिए मैंशन कर हुई है क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो फ़ुटबॉल की तरह होता है लेट्स कि फुटबॉल की तरह इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है फुटबॉल में ये रहा एक दो तीन चार पाँच छ मतलब यहाँ पे एक हेक्सागन है और ये क्या है इसको हम येलो से मेंशन करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव पाँच वाला क्या होता है ये पाँच वाला है ये छः वाला है ये भी छः वाला है जो पा... जो सिक्स वाला होता है वो इन्होंने वाइट से मेंशन किया था कभी अपनी फुटबॉल को ध्यान से देखना जो सिक्स वाला होता है सिक्स वाला मतलब जो हेक्सागन होता है वो उन्होंने वाइट से मेंशन किया होता है जो वाइट फाइव वाला होता है वो इन्होंने ब्लैक से मेंशन किया होता है ठीक है इसको क्या बोलते हैं पेंटागन जो पांच साइड वाला होता है तो जैसे इसमें होता है ना फुटबॉल में होता है कि कुछ हेक्सागन होते हैं कुछ पेंटागन होते हैं वैसे ही बकमिंस्टर फ्लोरिंग में भी ऐसा ही होता है कुछ हेक्सागन रिंग्स होती हैं कुछ पेंटागन रिंग्स होती हैं वो आपस में अटैच होके एक प्रॉपरली फुटबॉल टाइप स्ट्रक्चर बना देती है उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं बकमिंस्टर फलरीन नाउ वाई दिस नेम बकमिंस्टर फलोरीन इसका नाम क्यों है द रीज़न बींग एक ना साइंटिस्ट था बकमिंस्टर उसने क्या किया था साइंटिस्ट नहीं था एक्चुअल में उसने कुछ ऑडिटोरियम uh, वगैरह उसने डिज़ाइन किया था जो कि उसने नाम दिया था फलरीन आई थिंक उस चीज़ का नाम था थीके? मतलब वो इसी तरीके से उसने डिजाइन किया था जिस तरीके का ये है ना जो ये स्ट्रक्चर है ना जो आप देख रहे हो यहाँ पे इसी तरीके का इसने ऑडिटोरियम डिजाइन किया था तो उसी के नाम के ऊपर इन्होंने क्या नाम रख दिया जब ये वाला कंपाउंड हमें समझ में आया कि ये कोई चीज एग्जिस्ट करती है जो फुटबॉल को रिजेंबल करती है तो उन्होंने उसका नाम उसी इंसान के नाम पे रख दिया बकमिंस्टर

पता नहीं उनका तो एंड ही नहीं हो रहा था बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल थे बट इसमें क्या होता है इस... इसमें में क्या होता है बक्मिंस्टर फिलोरीन में ये जो एटम्स हैं ये इनका फिक्स्ड रेशो होती है कि इसके पास सिर्फ और सिक्सटी एटम्स ही प्रेजेंट होंगे ये क्लस्टर होगा ऑफ सिक्सटी एटम्स फुटबॉल शेप स्पेरिकल मॉलिक्यूल ये आपको समझा दिया है इंटरलॉकिंग 20 ट्वेंटी हेक्जागनल एंड ट्वेल्व पेंटागनल रिंग्स ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ये याद रखना है कि ट्वेंटी हेक्जागन एंड ट्वेंटी सॉरी ट्वेंटी सिक्स वाली रिंग्स है और ट्वेल्व कौन सी है फाइव मेम्बर्ड रिंग्स है ये आपको याद रखना ये कैसे याद रखोगे इसको याद रखने का एक तरीका है एक फॉर्मेट सा डिज़ाइन किया था मैंने ये रहा ट्वेंटी ये रहा ट्वेल्व पहले तो ये नंबर याद होना चाहिए अभी आपको ये देखना है कि यहां पे सिक्स होगा यहां पे फाइव होगा यहाँ पे सिक्स होगा यहाँ पे फाइव होगा हो हो उसको आप कैसे याद रखोगे जैसे मैंने याद रखा हुआ है जो ट्वेंटी है वो फाइव के टेबल पे जाता है ना ट्वेल्व किसके टेबल पे जाता है सिक्स के टेबल पे जाता है बट इनकी दुनिया थोड़ी सी अलग है तो इनकी दुनिया में क्या होगा हम यहाँ पे मैथ तो पढ़ नहीं रहे हैं तो इनकी दुनिया अलग है तो इसकी वजह से इनकी डिफरेंस की वजह से यहाँ पे हमें क्या लग रहा है कि यहाँ पे फाइव होना चाहिए क्योंकि ट्वेंटी कौन किसके टेबल पे जा रहा है फाइव के टेबल पे जा रहा है बट हम ऑपोजिट करके आएंगे हम फाइव को टिक नहीं करेंगे हम सिक्स को टिक करेंगे और यहाँ पर हमें क्या लग रहा है सिक्स होना चाहिए क्योंकि सिक्स का मल्टीपल है ट्वेल्व ठीक है तो यहाँ पे हम सिक्स को टिक नहीं करेंगे जो इस इसका मल्टीपल है उसको क्रॉस कर देंगे और दूसरे वाले को चुन लेंगे तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आए हो लेट मी एक्सप्लेन दिस अगेन यू हैव ट्वेंटी You have 12, अभी आपको देखना है ये नंबर ऑफ रिंग्स है ट्वेंटी या तो सिक्स टिक होगा या तो फाइव टिक होगा या तो सिक्स मेंबर्ड होगी या तो फाइव मेंबर्ड होगी अभी हम देखते हैं कि ट्वेंटी रिंग्स नंबर ऑफ रिंग्स है ये दिस इज नंबर ऑफ रिंग्स दिस इज टाइप ऑफ रिंग इसको याद रखने के लिए क्या है ट्वेंटी किसके टेबल पे जा रहा है फाइव के टेबल पे ट्वेल्व किसके टेबल पे जा रहा है के के टेबल टेबल पे पे ये जा रहा है तो फाइव को करो कैंसिल बच गया सिक्स ये ट्वेल्व सिक्स के टेबल पे जा रहा है तो सिक्स को करो कैंसिल बच गया फाइव तो दिस मीन्स दैट हम एंड में किस चीज को देख लेंगे कि ये रहा तुम्हारा आंसर कि आपके पास सिक्स कौन है सिक्स ट्वेल्व सॉरी ट्वेंटी सिक्स मेंबर रिंग है और ट्वेल्व क्या है आपके पास फाइव मेंबर रिंग है ये ही आपको याद रखना है इसमें और कुछ नहीं है ये डार्क सॉलिड है एट रूम टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे बहुत ही डार्क सॉलिड होता है इट्स अ स्मॉल मॉलिक्यूल वो दोनों और बहुत ज़्यादा जॉइंट हैं इसमें एक सिक्सटी नंबर हमें पता है कि सिक्सटी कार्बन आइटम्स यूज़ हो रहे तो इतना बड़ा मॉलिक्यूल नहीं है वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा कार्बन आइटम्स यूज़ होते हैं तो इसकी वजह से उनके कंपैरिजन में ये बहुत छोटा मॉलिक्यूल है नीदर सॉफ्ट नीदर हार्ड अगर मैं डायमंड की बात कर रही हूँ डायमंड सबसे ज़्यादा हार्ड है उसके बाद ग्रेफाइट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और बीच में कौन सा आता है हमारे पास फुलरीन जो ही क्योंकि ना ही हार्ड है बहुत ज्यादा ना ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट है इन दोनों के बीच में आती है इसकी प्रॉपर्टी दैट्स ऑल वी नो अबाउट बकमिंस्टर फुलरीन नाउ लेट्स डू दी यूज़ेस ऑफ डायमंड इसके यूज़ेस भी पता होने चाहिए कटिंग एंड ग्राइडिंग अदर हार्ड मटीरियल सो बाकी हमने बोला कि डायमंड सबसे ज्यादा हार्ड मटीरियल है अगर तो आपके पास कोई और हार्ड मटेरियल है उसको लाइक like, उसको कट करने के लिए ग्राइंड करने के लिए किसको यूज़ किया जाता है डायमंड को यूज़ किया जाता है अभी कुछ बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि डायमंड जब हार्डेस्ट मटेरियल नोन है बट ये महंगा भी तो होता है इट इज़ ऑल्सो कॉस्टली तो आप इसको क्यों इसके लिए यूज़ कर रहे हो किसी और चीज़ को यूज़ कर लो द रीज़न बींग मैं जो डायमंड ज्वेलरी के लिए यूज़ हो जाता है ना उसके बाद जो बच्चा कुच्चा डायमंड होता है ना जो किसी यूज़ का नहीं होता उसको इस परपज़ में लेते हैं ठीक है जो लो क्वालिटी डायमंड होता है हाई क्वालिटी डायमंड की बात नहीं कर रही हूँ लो क्वालिटी जो डायमंड होता है जो ऐसी जैसे हम जब डायमंड बना रहे हैं जो हमें साइड पे थोड़ा सा डायमंड मिल गया जिसकी हम ज्वेलरी नहीं बना सकते उस डायमंड को इस चीज में यूज किया जाता है क्योंकि हम डायमंड को वेस्ट नहीं कर सकते तो उसको कटिंग एंड ग्राइंडिंग में यूज कर लिया जाता है ओके ओके सो सोनाओ जम्प टू यूजेज ऑफ ग्रेफाइट नाउ लेट्स डू यूजेज ऑफ ग्रेफाइट ग्रेफाइट के क्या क्या यूजेज हैं दीज आर लुब्रिकेंट फॉर मशीनरी लुब्रिकेंट क्यों बिकॉज इट इज़ स्लिपरी क्या होता है स्लिप करता रहता है जो लुब्रिकेंट होती हैं ना चीज़ें ऑयली होती हैं स्लिपरी होती हैं ठीक है ठीके? उन चीज़ों को एज अ लुब्रिकेंट यूज़ किया जाता है मशीनरी में ग्रेफाइट इज ऑल्सो नॉन वॉलेटाइल ग्रेफाइट ना नॉन वॉलेटाइल भी होता है नॉन वॉलेटाइल मतलब उसको हीट करोगे तो उड़ नहीं जाएगा वेपर्स में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा ऐसा नहीं होगा वो बहुत हाई टेम्परेचर पे ही वेपर्स में कन्वर्ट होगा दिस मीन्स दैट अगर हमने किसी ऐस, ऐसी ऐसी मशीनरी में इसको यूज़ करना है जहाँ पे हम चाहते हैं कि ये एज वहाँ पे हीट कंडीशंस है ठीक है जैसे बहुत सारे ऑटोमोबाइल्स हैं वहाँ पे क्या है हीट कंडीशन होती हैं ठीक है इंजन हीटअप हो जाता है तो वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है ताकि हीटअप होने के बाद भी जो ग्रेफाइट है एज अ लुब्रिकेंट वहीं पे रहे वो वेपराइज ना हो जाए क्योंकि ये क्या है नॉन वॉलेटाइल है ये जल्दी जल्दी उड़ता नहीं है इलेक्ट्रोड्स इन ड्राई सेल्स आर इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक आर्क्स इसका क्या मतलब है इलेक्ट्रोड्स की तरह इलेक्ट्रोड्स की तरह क्यों यूज होता है बिकॉज इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाता है इसी की वजह से ये ड्राई सेल्स में इलेक्ट्रोड्स की तरह यूज़ किया जाता है दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक ठीक है ये सेल है ठीक है ड्राई सेल है यहाँ पे बीच में ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड यूज़ की हुई जिन्होंने खोल के बताया हुआ कि इस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है ठीक है एंड दिस इज हाउ इट इज़ यूज एज लुब्रिकेंट नाउ इट इज़ ऑल्सो यूज इन कोर ऑफ पेंसिल्स पेंसिल जो लीड होती है जो हम डेली देखते हैं वहां पर आप ग्रेफाइट को देख सकते हो

आई एम श्योर कि आप इसका आंसर कर पाओगे अगर आपने पूरा का पूरा लेक्चर ध्यान से सुना है अदरवाइज आई एम ह्योर मैं यहाँ पे करवा ही रही हूँ पहले पॉज करके खुद इसको करने की ट्राई करो नाउ एन एलिमेंट बिलोंगिंग टू ग्रुप फोर्टीन ऑफ पीरियोडिक टेबल एक एलिमेंट है जो ग्रुप कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है फोर्टीन ग्रुप में बिलोंग करता है हैज टू कॉमन एलोड्रॉप्स उसके दो कॉमन एलोड्रॉप्स हैं उन्होंने एक को बोल दिया ए दूसरे को बोल दिया बी ए इज़ वेरी हार्ड एंड वो क्या है कंडक्ट नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता दूसरा क्या है सॉफ्ट है एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पहले तो एलोट्रॉप्स किसके होते हैं कार्बन के ही एलोट्रॉप्स होते हैं और कार्बन किसको बिलोंग करता है ग्रुप फोर्टीन को बिलोंग करता है ठीक है उसके तीन एलोट्रॉप्स होते हैं एक डायमंड होता है एक ग्रेफाइट होता है एक फ्लोरिन होता है यहाँ पे ये दो एलोट्रॉप्स की बात कर रहे हैं एक हार्ड है और एक नॉन कंडक्टर है मतलब ये वाला ए कौन सा है ए इज डायमंड डायमंड इज हार्ड एंड ये नॉन कंडक्टर है बी इज सॉफ्ट एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बी क्या होगा ग्रेफाइट ठीक है इस तरीके से आपको इसका आंसर देना है एलिमेंट क्या होगा आइडेंटिफाई एलिमेंट एलिमेंट इज कार्बन एंड नेम ईच एलोट्रॉप कौन सा है ए इज डायमंड एंड बी इज ग्रेफाइट नाउ सेकेंड क्वेश्चन पीस ऑफ ब्लैक इलेक्ट्रॉड यूज इन ब्लैक इलेक्ट्रॉड पहले तो ब्लैक इलेक्ट्रॉड इलेक्ट्रॉड मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है वहीं से हमें थोड़ा सा तो हिंट मिल चुका है इन ड्राई सेल्स ड्राई सेल्स हमने अभी यूज में पढ़ाई है ठीक है ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग इन एयर गेव अ कलरलेस गैस अभी यहाँ पर ना हमने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है पहले मैं वो आपको चीज ये वाली चीज़ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कलरलेस गैस विच टर्म्स लाइम वाटर मिल्कि ये तीनों एलोट्रॉप्स कार्बन के बने हुए हैं ठीक है थीके? इन तीनों एलिमेंट्स को जब आप हीट करोगे ना जब आप इन तीनों एलिमेंट्स को हीट करोगे एलोट्रॉप्स को हीट करोगे वेदर इट्स डायमंड और क्रेफाइड और बकमिंस्टर फिलोरीन इन तीनों के बीच में कार्बन है तो इन तीनों से क्या चीज़ रिलीज होगी इन तीनों से ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में है उसके साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस अभी हमें दिख तो रही नहीं है ऐसा तो है नहीं कि कार्बन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स चल रहे हैं एटमॉस्फेयर में हमें गैस स्मेल से पता लगती है ठीक है स्मेल सेंसेशन से पता लगती है और कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है उसको पता लगाने का कि दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस ओनली सब द बेस्ट वे इज कि इस गैस को किसके थ्रू पास कर दो लाइम वाटर के थ्रू यहां से ना जैसे लेटर से मिनट लेटर से यहाँ आपके निकली है कार्बन डाइऑक्साइड गैस ठीक है आपने इसको हीट किया ये रहा बीकर इसके बीच में आपके पास डायमंड था या कुछ भी था ठीक है आप उसको हीट कर रहे थे बीकर नहीं मतलब जिस भी रॉड से आपने पकड़ा हुआ था आप उस पर्टिकुलर चीज को आप हीट कर रहे थे और वहां से क्या निकली आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली Let us take, ये रही आप इसको हीट कर रहे हो यहाँ से क्या निकली यहाँ से क्या निकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली आपने क्या किया यहाँ से एक पाइप के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इसके अंदर डाल दिया ठीक है और यहाँ पे आपके पास क्या है यू हैव लाइम वाटर लाइम वाटर है और ये जो लाइम वाटर है ना ये किस में टर्न हो जाएगा अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है तो ये किस क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये मिल्की हो जाएगा ठीक है थोड़ा सा मिल्कीनेस आ जाएगी इसमें जिससे हमें कन्फर्म हो जाएगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है इस चीज़ की बात कर रहे हैं नाओ लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन में अभी ये क्या बोल रहा है नाउ ही सेइंग कि वो इस तरह का पीस है हमारे पास एक ब्लैक इलेक्ट्रोड पीस है अ पीस ऑफ ब्लैक इलेक्ट्रोड जो किसी ड्राई सेल में यूज़ की गई थी ड्राई सेल से मैंने उस इलेक्ट्रोड को निकाला उसको स्ट्रांगली हीट किया और उससे कहता है कैसी गैस रिलीज हुई मुझे पता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड है और पता कैसे लगा उसने हिंट क्या दिया जिसने टर्न कर दिया लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर दिया यहां से पता लग गया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हुई है मतलब कि कोई ऐसा मटेरियल है जो कार्बन का बना हुआ है और कार्बन का ऐसा कौन सा मटेरियल है जो ड्राई ड्राई सेल्स में यूज होता है जो ब्लैक इन कलर होता है वो होता है ग्रेफाइट दिस इज़ हाउ यू आंसर दिस व्हाट इज द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड दैट इज ग्रेफाइट एंड इट इज मेड अप ऑफ कार्बन ओके किसका बना होता है वो कार्बन एटम्स का बना होता है नेक्स्ट क्वेश्चन अ बॉय शार्पन्स पेंसिल एट बोथ एंड्स पेंसिल के बीच में क्या होती है ग्रेफाइट होती है ठीक है उसने क्या किया पेंसिल को दोनों एंड से शार्पन कर दिया दोनों एंड से इधर से भी इधर से भी तो दोनों साइड से क्या आ गई ग्रेफाइट की जो लीड होती है दोनों साइड से बाहर आ गई उसने क्या किया इसको उसने क्या जुगाड़ यहाँ से अगेन बच्चे ने क्या किया अपना ब्रेन को इस्तेमाल किया कि मुझे मैम ने ये बताया था कि ग्रेफाइड इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ग्रेफाइड जो है अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है तो मैं क्या करता हूँ इसको यूज़ कर लेता हूँ टू कम्प्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड नहीं आएगा एन इलेक्ट्रिक सर्किट को कम्प्लीट करने के लिए उसने इस ग्रेफाइड को जो पेंसिल के बीच में उसको यूज़ किया अभी उसने क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे विल द करंट फ्लो थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट यस करंट तो फ्लो करेगा ही ना क्योंकि ग्रेफाइट क्या है इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर मैं उस पेंसिल को शार्पन ना करती तो नहीं फ्लो करता मैंने उसको शार्पन किया ठीक है उसके जो पॉइंट्स होते हैं ग्रेफाइट लेड के जो पॉइंट्स होते हैं उनको बाहर निकाला उसके साथ कनेक्ट किया वायर को सर्किट को कंप्लीट कर दिया इससे मैंने यहाँ से वायर लगा दी यहाँ से वायर लगा दी और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया एक बल्ब लगा दिया और इस सर्किट को कम्प्लीट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा बल्ब ग्लो करना शुरू कर देगा

ये हमने आपको करवाया आज इनमें से एक ऑप्शन सही है नेम दी नंबर ऑफ हेक्जागनल रिंग्स एंड पेंटागेनल रिंग्स जो फिलेरीन जो बक्मिंस्टर फिलेरीन है उसमें मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया तो इन दोनों का आंसर आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में टिल देन हम क्या करते हैं इन दोनों क्वेश्चन को आपने सॉल्व करके आना है एंड यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ राइट डाउन बिलो आई विल श्योरली आंसर यू देन थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग बाय हैव अ नाइस डे